हेलो फ्रेंड्स, सेहत ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान तरबूज खाने के बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान तरबूज खाने के नुकसान भी होते हैं? अगर नहीं जानते तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल सेहत ज्योति को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएँ, जिससे कि सारी प्रेगनेंसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, तरबूज एक ऐसा फल है जो आप प्रेगनेंसी के दौरान खाएं या फिर प्रेगनेंसी के बाद खाएं, वो आपको भरपूर मात्रा में फायदे ही देते हैं। हम यहाँ बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान तरबूज का सेवन करने से आपको फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। दोस्तों, अब गर्मियों के मौसम शुरू हो गए हैं और गर्मियों के मौसम में अधिकतर प्रेग्नेंट महिलाएं तरबूज खाना पसंद करेंगी, जो कि उन्हें खाने भी चाहिए, क्योंकि तरबूज का सेवन गर्मी में उन्हें ठंडक प्रदान करता है। तरबूज एक ऐसा फल है जिसमें 90% वाटर होते हैं, यानी 90% उसमें पानी होता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन के साथ साथ उसके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, अक्सर प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट वुमेन के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, जैसे मॉर्निंग सिकनेस, सीने में जलन, हाथ पैरों में सूजन, डिहाइड्रेशन और एसिडिटी टाइप की पेट संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम। ऐसे में अगर प्रेग्नेंट वुमेन तरबूज खाती हैं तो वो इन सारे प्रॉब्लम से बचे रहती हैं। इसलिए ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन जो प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा पानी नहीं पी पाती, तो उन्हें चाहिए कि वो कोशिश करें कि वो सुबह सुबह तरबूज का जूस एक ग्लास पिएं, या फिर अगर उन्हें जूस पसंद नहीं तो वो तरबूज को ऐसे भी खा सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि प्रेगनेंसी के दौरान उनके चेहरे पर काले दाग धब्बे आ जाते हैं, झुर्रियां पड़ने लग जाते हैं। ऐसे में तरबूज का सेवन उनके स्किन से इन सारे प्रॉब्लम को दूर करता है और उनके चेहरे पर एक ग्लो यानी चमक देता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान तरबूज के सेवन से गर्भ में पल रहे शिशु को भी बहुत ही फायदे होते हैं। पहला, कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई महिला तरबूज का सेवन करती हैं तो उनके गर्भ में पल रहे शिशु की आँख की रोशनी तेज होती है। दूसरा, शिशु का ब्रेन और नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है। तीसरा, शिशु का स्किन भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान तरबूज के सेवन से उनके बॉडी में पानी की कमी की पूर्ति होती है, जिसके कारण उनका बॉडी हाइड्रेट रहता है, उन्हें डिहाइड्रेशन की शिकायत नहीं होती, जो कि एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए जरूरी होते हैं। दोस्तों, अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन की इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे में अगर वो तरबूज का सेवन करती हैं तो उनके इम्यून सिस्टम मजबूत होते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले वो सारे संक्रमित रोगों के खतरों से बचे रहती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान तरबूज का सेवन करती हैं तो आप हाथ पैर में सूजन, सीने में जलन, पेट संबंधित सारी समस्याएं, डिहाइड्रेशन और स्किन प्रॉब्लम जैसी बहुत सारी शिकायतों से बची रहती हैं। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आप तरबूज का सेवन जरूर करें, क्योंकि आपको बहुत सारे फायदे देते हैं। लेकिन तरबूज का सेवन करते समय सतर्कता भी बरतें, क्योंकि गलत तरीके से और गलत मात्रा में तरबूज का सेवन से आपको फायदे के जगह नुकसान ही होंगे। दोस्तों, तरबूज का सेवन करने से पहले इस बात का खास ख्याल रखें कि आप तरबूज जब भी खाएं तो ताज़ा कटा हुआ ही तरबूज खाएं। ऐसा तरबूज बिल्कुल ना खाएं जो पहले से काटकर कुछ देर पहले रखा गया हो। ऐसे तरबूज खाने से आपको उल्टी, दस्त और गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि तरबूज खाने में बहुत ही मीठा होता है और मीठा होने के कारण इसमें ग्लूकोज की मात्रा भी होती है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान तरबूज का अत्यधिक सेवन करती हैं तो आपके ब्लड में भी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे आपको मधुमेह की शिकायत हो सकती है, जो कि प्रेगनेंसी में आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए तरबूज का सेवन प्रेगनेंसी में जरूर करें, लेकिन सीमित मात्रा में ही करें। इसके अलावा तरबूज का सेवन करने से बॉडी से टॉक्सिन्स तो जाते ही हैं, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ अगर आप तरबूज का ज़्यादा सेवन कर लेती हैं तो आपको बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ने लगती है, और ऐसे में यूरिन के जरिए बहुत सारे पोषक तत्व बाहर आ जाते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके गर्भ में पल रहे नवजात शिशु के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। तो फ्रेंड्स, बताए गए इन नुकसानों को ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रेगनेंसी में तरबूज का सेवन करती हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान तरबूज खाएं, लेकिन सीमित मात्रा में ही खाएं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।